Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I am here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. Zid Se Jeet Tak. Hi everyone, bachche hum koi bhi kaam karte hain ना, तो उसके पीछे हमारा एक मोटिव तो रहता है, विच इज टू अर्न मनी। आप थोड़ा सोच के देखिए, आप अगर ये प्रेपरेशन भी कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रेपरेशन भी कर रहे हैं, राइट, तो यहां पे भी आपके एक एंगल तो ये रहेगा कि यार जॉब अच्छी होगी, थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। इनकेस अगर यूपीएससी नहीं होता तो एटलीस्ट आई नीड दिस जॉब जिसमें इतना पैसा आ रहा है, ताकि एटलीस्ट मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड तो मेंटेन कर सकूं। हाउएवर, हमारी कंट्री के अंदर जो है अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ के लिए अभी तो कोई लॉ नहीं है, कोई मिनिमम वेज के हिसाब से उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम मिनिमम वेज कैलकुलेट करते हैं कि यार रोटी पानी पूरी हो जाए बस, अदरवाइज लिविंग स्टैंडर्ड तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। थोड़ा सा और क्लियर होगा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पता करेंगे कि आपके एरिया में जो लेबरर है वो एक दीवार बनाने का पर डे में कितना पैसा चार्ज करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये ज्यादा नहीं है, ये 250 से लेके 450 के बीच में इतने रुपए में वो पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक आपके लिए धूप में, तपती धूप में, इन सब में वो काम करते हैं ना। यहां पे सरकार ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था विच इज कॉल्ड मिनिमम वेज, कि इससे कम पे तो कोई नहीं करेगा, नहीं तो इससे कम पे भी हो रहा था काम, जितना भी आपको आसपास सुनाई दे रहा है इससे कम पे भी काम हो रहा, तो सरकार ने बोला इससे कम पे नहीं हो पाएगा। लेकिन आप और मैं इतने कम पैसे में काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारा गुजारा ही नहीं होगा उतने पैसों में, राइट। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेज, जहां पे हम एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट कि यार रोटी आ जाए शाम की, उतनी वेज, उतना नहीं है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा, विच इज कॉल्ड लिविंग वेज। आइए बच्चे देखते हैं, तो क्यों ये आपके न्यूज में आया है? इसका सिंपल सा कारण यह है दैट इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रिप्लेस द मिनिमम वेज, न्यूनतम आय कितनी मिलेगी, मिनिमम वेज with living wage by 2025 and has sought technical assistance from the ILO to create a framework for estimating and operationalizing these. ठीक है, क्योंकि standard of living को measure करना और living wage को decide करना ये कोई आसान चीज नहीं है, right? इसके अंदर बहुत सारे factors आपके जुड़े हैं, इसके अंदर बहुत सारे और सारे variables जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए we have taken the expert help of ILO, International Labour Organization, जिसका ये living wage idea है, the idea has been given by ILO, right? तो उन्हीं की हेल्प से हम जो है इसको प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, और हम प्लान कर रहे हैं कि 2025 तक हम मिनिमम वेज को रिप्लेस करते लिविंग वेज से। क्या है लिविंग वेज? ILO की डेफिनेशन बोलती है a living wage is a deemed essential to ensure workers and their families can maintain a decent standard of living. ठीक है जी, ये है इसका मतलब, एक decent standard of living है ना, जो कि आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ है ना, उसके अंदर भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ना, तो विद डिग्निटी वाला जो पॉइंट है ना वो यहां पे थोड़ा सा कवर होगा, वो इसके अंडर ये चीज जो है वो फॉल कर रही है, अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो। हालांकि पॉलिटी को यहां पे रिलेट करने की जरूरत है नहीं है, तो जस्ट आपको वैसे थोड़ा सा मैं बता रहा था। एक्सक्यूज मी, अ लिविंग वेज इज कैलकुलेट बेस्ड ऑन द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग रेगुलर वर्किंग आवर्स एडेरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स फॉर एस्टिमेटिंग सच वेजेस, यानी कि दोनों तरफ। ILO बाय द वे वर्ल्ड की पहली ट्राइपेट्रिएट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सरकार, इंप्लॉयर्स और इंप्लॉयज एक साथ में है, राइट। सो ILO के पास में ऐसी स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, एडेरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स फॉर एस्टिमेटिंग सच वेजेस और साथ में परफॉर्म ड्यूरिंग द रेगुलर वर्किंग आवर्स, है ना, इसमें दोनों पक्ष एक साथ में आ गया। थोड़ा सा स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स होगी इस चक्कर में, लेकिन ILO का काम ही यही है, ट्राइपेट्रिएट ऑर्गेनाइजेशन है वो, तीन पार्टीज वाली है ना। मिनिमम वेज क्या चीज है? मिनिमम वेज इन सिंपलर टर्म्स इज द स्टिपुलेटेड लोअर बेस ऑफ कंपनसेशन दैट एन एम्प्लॉयर इज सपोज टू पे टू द एम्प्लॉय। हियर द प्राइमरी यूनिट इज द अमाउंट अक्रूड इन एन आवर, है ना। मिनिमम वेज कहने का मतलब यह है कि मिनिमम वेज का जो लीस्ट काउंट है वो हम आवरली बेसिस पे देख सकते हैं, है ना, कि पर आवर के कितने पैसे होंगे, ये वो कहना चाह रहा है इसके अंदर, है ना, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। एन एम्प्लॉयर कैन नॉट मेक अ पेमेंट बिलो दैट मार्क, हेंस द मिनिमम वेज, वो तो नाम से समझ में आ रहा है। इन दोनों के बीच में एक और टाइप की वेज जो है वो लाया करती है, विच इज कॉल्ड द फेयर वेज। फेयर वेज कम्स आफ्टर द मिनिमम वेज, इट लाइज बिटवीन द मिनिमम वेज एंड द लिविंग वेज। ये बच्चे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि तीन टाइप की वेजेस, लिविंग वेज, मिनिमम वेज, फेयर वेज। तो फेयर वेज जो है
इट इज अबव द मिनिमम वेज एंड बिलो द लिविंग वेज, ठीक है। फेयर का मतलब जायज, अगर आप समझ पा रहे हो तो, है ना, कि जायज होनी चाहिए अमाउंट ना, लिविंग वेज नहीं मिल रहा लेकिन एटलीस्ट वेज तो जायज है। इट सरपासेस द मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड येट फॉल्स बिलो द रिक्वायर्ड व्हाट्स रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग स्टैंडर्ड, है ना। तो मतलब आप गाड़ी नहीं ले पाओगे, ऐसी वाली बात हो गई है कुछ, है ना, लेकिन घर पर राशन आता रहेगा, घर पहले खा पी रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं है, उसके लिए आपको धक्के खाने पड़ेंगे, हो सकता है कि आपकी सिस्टर को ऑटो में जाना पड़े इधर उधर और आप स्कूटी नहीं लेके दे पा रहे हो, है ना, कुछ इस टाइप का सिनेरियो मैं आपको इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाइल द मिनिमम वेज सेट्स द बेसलाइन, द अपर बाउंड्री ऑफ अ फेयर वेज इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू कंपनसेट, ठीक है। मिनिमम वेज आपकी बेसलाइन होगी है, अपर बाउंड्री ऑफ अ फेयर वेज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू कंपनसेट, है ना, कि आप जो इंडस्ट्री का, अगर इंडस्ट्री भारी मात्रा में पैसा आ रहा है उसके पास में, तो भारी मात्रा में लग भी रहा है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी करोड़ों में है, उसकी मशीनों की कॉस्ट भी करोड़ों में है, है ना, उसके इंप्लॉयज भी बहुत सारे हैं, तो अल्टीमेटली, और इंडस्ट्री को कुछ पैसा बचा के भी रखना होता है अपने पास में ताकि री इन्वेस्ट कर सके। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ही आपकी जो है वेज जो है वो डिसाइड होगी, ये ILO के प्रिंसिपल के हिसाब से। और हमारे यहां पर इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसको नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, है ना, हालांकि जो इंडिविजुअल वेजेस हैं वो हर एक स्टेट अलग से डिसाइड करती है, पंजाब में अलग होगी, कहीं और जगह अलग होगी, राइट, स्टेट वाइज अलग है, लेकिन इट कैन नेवर गो बिलो द नेशनल लेवल, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, राइट। तो कब इंट्रोड्यूस किया था, वाज इंप्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996, आपके पैदा होने से भी पहले, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। इट्स पर्पस इज टू हैव अ यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर एंड टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी इन मिनिमम वेजेस अक्रॉस द कंट्री। तो इन्होंने एब्सोल्यूट मिनिमम डिसाइड कर दिए, इसके बाद में जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग नोटिफिकेशन से अलग अलग फील्ड्स के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हैं। इट इज अ नॉन स्टेचुटरी मेजर, एंड आफ्टर एवरी रिविजन द स्टेट गवर्नमेंट्स आर परसुएडेड टू फिक्स मिनिमम वेजेस सच एज इन नन ऑफ द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स द मिनिमम वेजेस लेस देन नेशनल फ्लोर लेवल वेजेस, है ना, उसके नीचे वो जा ही नहीं सकता है, राइट। द लिस्ट ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड एटसेट्रा, स्पेक्ट्रम अलग अलग है इसका, है ना। इश्यूज क्या है मिनिमम वेज के साथ में बच्चे, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई हैव कंपाइल्ड द इश्यूज विद द मिनिमम वेज इन इंडिया। अदर देन दैट ILO के ऊपर जो सवाल आ सकते हैं बच्चे, उसके भी बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको यहां मेंशन कर दी है, दैट कौन सी ट्रीटी से आया था और एफिलिएटेड एजेंसी कौन सी है इसकी, बिकेम द फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज एजेंसी, हेडक्वार्टर कहाँ है, है ना, और फाउंडिंग मिशन और इसका जो ओवर गाइडिंग प्रिंसिपल है पूरी ILO को, दैट इज सोशल जस्टिस, है ना, ये आपको UPSC पूछ सकता है, राइट। तो इन सब चीजों को आपने ध्यान रखना है, नोबेल प्राइज मिला था, राइट, बेसिक बेसिक चीजें हैं ये। इसके अलावा दीज आर दी 8 कोर कन्वेंशन ऑफ ILO, राइट बच्चे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आउट ऑफ दिस ओनली 6 हैज बीन साइंड बाय इंडिया एंड आई थिंक आई हैव गिवन यू दैट ऑल्सो, या दीज आर दी 6 जो इंडिया ने साइन करी है, जो दोन सी दो नहीं करी उसके ऊपर जो है सवाल आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7-मिनट टू द पॉइंट सीरीज इज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, प्लीज चेक आउट अभिमन्यु IAS करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इट इज बेस्ड ऑन त्रिशूल मॉडल। यू विल बी गेटिंग 3 थिंग्स, नंबर 1 weekly classes, number 2 weekly PDFs of current affairs, number 3 weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.